हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 1-2 ईयर बेबी के लिए 2 लेयर बेबी फ्रॉक बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें हमने पाइपिंग का इस्तेमाल किया है, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। बैक साइड से भी इसका डिज़ाइन सेम कितना प्यारा लग रहा है। 75 सेंटीमीटर इसमें हमने प्रिंट फैब्रिक इस्तेमाल किया है और 30 सेंटीमीटर पाइपिंग के लिए फैब्रिक इस्तेमाल किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 पीस ले लिए हैं योक के लिए। इसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 13 इंच है। ऐसे करते हुए हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। 4 पीस इसके हो गए हैं। अब शोल्डर हमें इसका 4 इंच रखना है, आर्म होल 4.5 इंच रखना है। ऐसे करते हुए हम इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ से अब हमें इसको चकोर कर लेना है। अब हमें इसमें आर्म होल में गोलाई कर देनी है। यहाँ से 1/2 इंच हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं फिटिंग के लिए और इसको ऊपर तक मिला देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करते हुए हमने इस पे निशान लगा लिया है। नेक की चौड़ाई हमें इसकी 2 इंच रखनी है और लंबाई में 3 इंच रखना है। दोनों साइड से नेक हम इसका बराबर बनाएंगे। ये देखिए, नेक हमने यहाँ से हल्का सा ढालदार हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी मार्कर से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हल्का सा ढालदार कटिंग करना है, क्योंकि शोल्डर हमारे ढालदार होते हैं। ये देखिए, ये हमारा कट कर तैयार हो गया है, दोनों पीस योक के। अब हमें एक पीस अलग कर देना है और एक पीस में से आप 2 से 3 इंच तक खोल सकते हैं, ताकि बेबी को सिर में पहनाने में परेशानी ना हो। ये देखिए, दोनों पीस हमारे तैयार हो गए हैं कटकर। ये हमने फ्रिल के लिए पट्टी ली है, जिसकी लेंथ 6 इंच है और चौड़ाई 21 इंच है। अब सेकंड फ्रिल के लिए हमने लेंथ इसकी 6 इंच है और चौड़ाई 42 इंच है। ऐसे करते हुए हमें इसकी चुन्नटें डाल लेनी है और ऊपर के फ्रिल में इसको लगा देना है। ऊपर के फ्रिल में भी हमें ऐसे करते हुए इसमें चुन्नटें डाल लेनी है। ये हमने रेब की पाइपिंग ली है, जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। ये नीचे के घेरे में लगाने के लिए हमने ली है। ये बेल्ट ली है, जिसकी चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई 3 इंच है। ऐसे डबल करके हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस पट्टी को बीच से कट कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई 4 इंच है। ऐसे सीधी साइड पर हमें इस पट्टी को रखना है और ऐसे करते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम दूसरी साइड को इसको पलट लेते हैं। हल्का सा इसमें बीच में हमें कट लगा देना है। अब इस पट्टी को इस साइड में कर लेते हैं हमें ऐसे करते हुए, और अंदर की साइड को फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको चकोर कर लेते हैं और इस साइड में भी अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेते हैं। ये बैक नेक हमारा तैयार हो गया है। ये बेल्ट है, बेल्ट को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर रखते हुए हमें इसको सिलाई लगा देनी है। ये हमने इस पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें ऊपर की साइड भी एक सिलाई लगा देते हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए, बेल्ट हमारी लगकर तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देते हैं दोनों साइड से। अब शोल्डर को हम दोनों पीस ले लेते हैं और शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम साइड में पाइपिंग लगाते हैं आर्म होल में और नेक में, तो ये साइड से खुलते नहीं हैं। अब हम आर्म होल की पाइपिंग लगा रहे हैं। इसको हमें बैक साइड पर रखना है और सीधी साइड पर पलटना है। पाइपिंग को हमें धीरे धीरे से खींचना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर देना है। अब हम इसको सीधी साइड पलट लेते हैं और इसके अंदर का सभी कपड़ा हमें इसके अंदर की साइड कर देना है, कटिंग नहीं करना है। और जो पाइपिंग की हमने अंदर की साइड की सिलाई लगाई है, उस सिलाई को सबको इसके नीचे दाब देना है।
इससे हमारी पाइपिंग में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आएगी। ये देखिए हमारी पाइपिंग लग चुकी है इस साइड में, ऐसे ही हमें इस साइड में भी पाइपिंग लगानी है। दोनों साइड में हमने पाइपिंग लगा ली है, अब हमने एक की पाइपिंग लगाते हैं। ऐसे करते हुए हमें इसको रख लेना है और थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा बीच में छोड़ देना है अंदर की साइड को फोल्ड करने के लिए। धीरे धीरे से खींचते हुए इस पाइपिंग को हमें लगाना है, कहीं से भी हमें पाइपिंग को ज़्यादा नहीं खींचना है। इस पाइपिंग को भी हमें बैक साइड पर रखना है और फ्रंट साइड को इसको पलटना है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं और अंदर की साइड को इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से पहले हम पक्का कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अंदर की सिलाई इसकी किसी भी जगह से चमकनी नहीं चाहिए, इससे हमारी पाइपिंग में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हम इस साइड भी अंदर की साइड को फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए हमारी पाइपिंग कितनी प्यारी सी लगकर तैयार हो गई है। बेल्ट भी हमारी लग चुकी है। अब हम फर्स्ट फ्रिल अपना लेते हैं और इसको यहाँ पर रखते हैं और इसमें चुन्नट डाल लेते हैं। आप अलग से भी चुन्नट डालकर इसमें लगा सकती हैं। ऐसे करते हुए हमें अपने दोनों साइड पर फ्रिल लगाकर तैयार कर लेना है, बैक पीस पर भी और फ्रंट पीस पर भी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी इसमें चुन्नटें आ रही हैं। ये देखिए ये फ्रिल हमारा लगकर तैयार हो गया है। इस साइड में भी हमें फ्रिल ऐसे ही लगा लेना है। अब हम अपना सेकंड फ्रिल लगाते हैं, इसको भी हमें यहाँ पर ऐसे ही रख लेना है और चुन्नटे डालते हुए इसको भी तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपसे इस तरीके से चुन्नटे डालने में परेशानी होती हो तो आप अलग से फ्रिल में चुन्नटे डालकर इस पर लगा सकती हैं। ये देखिए हमारी चुन्नटे कितनी प्यारी सी डल गई हैं इसमें। दूसरे फ्रिल पर भी हमें ऐसे ही चुन्नटे डालकर, बैक साइड के पीस पर भी हमें ऐसे ही चुन्नटे डालकर तैयार कर लेना है। अब ये जो हमारी सिलाई आई है इसके ऊपर हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पाइपिंग लगा लेनी है। अंदर की साइड को हम पाइपिंग को कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं और एक सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमारी ये पाइपिंग लग चुकी है। एक्स्ट्रा पाइपिंग हम कट कर देते हैं। अब इस साइड से भी हमें अंदर की साइड को फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है किनारे पर। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। इसी तरह की प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस आप बच्चों के लिए घर पर बना सकती हैं, अपने बचे हुए कपड़ों का भी इनमें इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हमें नीचे की साइड इसमें पाइपिंग लगानी है। नीचे की साइड की पाइपिंग को हमें उल्टी साइड पर रखना है और सीधी साइड पर पाइपिंग को लगाना है। यहाँ पर हमें पाइपिंग खींचनी नहीं है। अब ये देखिए ऐसे हम फोल्ड कर लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर भी हमारी अंदर की सिलाई पाइपिंग के अंदर की साइड हमें दाब देनी है।
ये देखिए हमारी पाइपिंग पर कितनी प्यारी सी सिलाई लग रही है। ऐसे ही हमें बैक साइड का भी पीस तैयार कर लेना है। फ्रंट साइड का ये हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर भी हमें सेम पाइपिंग इसी तरीके से डिज़ाइन बनाकर लगा देनी है। अब हम इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी साइड में भी हमें सेम फिटिंग की सिलाई इसी तरीके से लगाकर तैयार कर लेनी है। ये बीच में हमने बो बनाकर लगा दी है। फ्रॉक हमारी बनकर तैयार हो गई है। पाइपिंग इसमें लगकर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं हमने पाइपिंग लगा दी है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।